हम तबलीगी इज्तिमा में जमा हुए, तबलीग 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 क्या चीज है ये समझना है, तबलीग क्या चीज है। तो याद रखो, तबलीग चिल्लों का नाम नहीं है, चार महीने का नाम नहीं है, तो फिर क्या है ये समझने की बात कह रहा हूं, खाली तकरीर की बात नहीं है। ये फिर है क्या ये? तो तबलीग, ये तबलीग जिंदगी की जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना, तबलीग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना कि अल्लाह ने मुझ पर क्या जिम्मेदारी डाली है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझकर उसको अपनी जान माल के साथ अल्लाह के लिए पूरा करना, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना अल्लाह के लिए अपनी जान माल के साथ, ये तबलीग है। और ये हर मुसलमान पर है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझे। अगर बगैर समझे करेगा तो बगैर समझे छोड़ भी देगा, ये हो रहा है आज, यही हो रहा है कि बगैर समझे कर रहे हैं फिर बगैर समझे छोड़ भी देते हैं। ये बात सही नहीं है। आदमी काम करे तो समझ कर करे। तो तबलीग की अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी का समझने का नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबलीग का हुक्म था, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए बंदों तक जो बात आपके ऊपर नाजिल हुई है, कि जिम्मेदारी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी की पूरा किया। तो सहाबा कराम ये कहते थे कि लैसत लहू राहा, कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई आराम राहत देखा ही नहीं, कोई आराम राहत हमने आपकी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? जिंदगी की जिम्मेदारी है, जिंदगी की जिम्मेदारी है, खेल नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि जैसे तबलीग का हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपकी ताबेदारी में हम पर भी आया। क्यों? कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के वारिस है, ये हम भूल गए हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के वारिस है। जैसे बेटा बाप की जायदाद का वारिस होता है, बेटा अपने माँ बाप की जायदाद का वारिस होता है, कोई दूसरा उसमें नहीं होता, वो वारिस है। ऐसे ही हर मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का वारिस है।